बात सिरसा से खबर की। पूर्व सीएम मनोहरलाल का बड़ा बयान, हरियाणा सरकार है स्थिर, फ्लू टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार एक महीना पहले ही बहुमत साबित कर चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, ये मनोहरलाल की तरफ से कहा गया। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राज्यपाल से फ्लू टेस्ट करवाने की मांग करने के सवाल पर पूर्व सीएम मनोहरलाल ने बयान दिया, कहा विपक्षी पार्टियों के पक्ष लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्षी पार्टियों का गणित उनके गणित से काफी दूर है। उन्होंने कहा कि 30 और 3 विधायक हैं विपक्षी पार्टियों के पास, 33 विधायकों को भी अगर जोड़कर रखें तो ये बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियों के पास 33 में से 23 विधायक ही ना रह जाए। चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं, अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर रहते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी, खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो केवल 30 जमा 3 का गणित ना सोचें, दूसरे गणित जो बन रहे हैं उनका विचार करें, तो ध्यान में आएगा उनकी हिम्मत ही नहीं है कि इस बात को आगे बढ़ा सके। विपक्षी पार्टी कांग्रेस और जेजेपी के राज्यपाल से फ्लू टेस्ट करवाने की मांग को लेकर सीएम नायब सैनी और कांग्रेस और जेजेपी पर पलटवार किया। सीएम सैनी ने कहा सरकार को अल्पमत में कहने वाले देख लें उनके पास विधायक हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो, उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में, उसके विधायकों ने उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है, मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय को प्रफेर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। अभी एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था, दुष्यंत चौटाला कहाँ था? वो तो सत्र में नहीं आया, और जब सत्र आएगा सत्र भी बुलाएंगे, विश्वास मत भी हासिल करेंगे। अभी एक महीने पहले विश्वास मत हासिल किया है, इसको ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए, समय आएगा तो जरूर। जन का विश्वास भूपेंद्र हुड्डा के पास भी नहीं है, कांग्रेस भी खो चुकी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर विश्वास करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करती है, और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, गठबंधन की हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, ये विकास को करने में विश्वास करती है।